I think one of Vivek's first interviews uh, was done. Understanding of Marathi films came from Pinjara, came from Jaitre Jait, came from uh, all I have seen in the last few years, is incredible. Uh, last year was a great. Learning experience for me. I mean, I saw films like Notebook, Katiyar Kaljat, Code, Killa. I mean, it it yeah. was just like a you know an entire smorgasbord of great films to watch, not knowing which to choose, which to reject. So it's it's fantastic the kind of strides. Uh, it reminds me of Bengali cinema in the 70s when you know movies made so much impact and yet everything was so simple and so beautifully set. So. More power to Marathi cinema. And Filmfare uh, recognized that excellence must be awarded. Uh, we already had the South Awards, the Bollywood Awards, and it just seemed like a natural progression. So, thank you guys for uh, making the first installment of the Filmfare Awards of Marathi so successful. And we want your blessings for the next installment as well. Thank you so much. Thank you, Mr. Pillai. May I kindly request Mr. Obroy to say a few words? Well, it's, uh, it's like a homecoming here today for me. Uh, thank you, Jitesh, for the warm words. Um, many things have changed in the last 14 years, but the affection, the warmth has only grown, and it's wonderful to feel that every single time I meet with him. Uh, Filmfare has always been special, like Jitesh said. I think it was a uh, ड्रीम डेब्यू फोमी हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि वो जो खूबसूरत ब्लैक लेडी है वो उसके घर आए और मेरे लिए 2002 जब मेरा डेब्यू हुआ 2003 के फिल्म फेयर में आई वाज वजफॉर्चुनेट कि तीन कैटेगरीज़ में बेस्ट एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एंड बेस्ट डेब्यू मुझे नॉमिनेशन मिला और दो खूबसूरत ब्लैक लेडीज़ में अपने साथ घर ले गया उस साल

कि लोग इतने अलग किस्म की स्टोरीज इतने नॉवल थॉट्स जो एक ज़माने में आप मलयालम सिनेमा में देखा करते थे या बंगाली सिनेमा में देखा करते थे आ, जैसे मराठी साहित्य आ, जैसे विजय तेंदुलकर जी हैं तो उनके जब आप प्लेज आ, उनका जब आप काम देखते हैं पढ़ते हैं आ, तब आपको लगता है कि कितने उच्च स्तर का काम है इट्स रियली नवल लेवल ऑफ ऑफ लिटरेरी जीनियस दैट वी हैड इन मराठी इट्स इट्स Great strong bedrock that exists. और अब uh, मुझे लग रहा है कि वो कही न कहीं ना कहीं मराठी सिनेमा में बहुत खूबसूरती से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कुछ फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद है जैसे येलो है आ, किला आपने बताया कोट बालक पालक आ, और कमर्शियल फिल्में भी जैसे मेरे दोस्त ने की है लय भारी आ, आ, तो वो भी मुझे आ, बहुत अच्छा लगा लेकिन आई फील दैट दिस इज अ गोल्डन पीरियड सिनेमा जो हैं वो एक तरह से आपको सपने देते हैं सपने देखने का एक मौका देते हैं और कर्म जो मेरी कंपनी है वो कोशिश करती है सपने पूरे करने के लिए तो ये एक कॉमन ग्राउंड हम दोनों के बीच रहा है आज जो कॉमन मैन है जो आम आदमी है जो मेहनत करता है पिछले कुछ साल जब मैं इस बिज़नेस में उतर के इस तबके के लोगों के साथ मेरे कस्टमर्स के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि गरीबों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए एक सोशल ऑन्टरप्रिनरशिप मॉडल में लोग हमेशा सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं तो हमने प्रॉफिट को लास्ट रखा हमने कहा पहले हम क्वालिटी देंगे उसके बाद हम एडजस्टमेंट देंगे लोगों के लिए और हर चीज़ को इस तरह स्ट्रक्चर किया कि कस्टमर कम्स फर्स्ट और उससे हमें कस्टमर ने खूब सक्सेस दिया हमारे जितने प्रोजेक्ट्स रहे शाहपुर में जो हमारा पहला प्रोजेक्ट रहा आ, जिस इलाके में शायद किसी और डेवलपर ने डेढ़ दो हज़ार घर भी नहीं बेचे होंगे वहाँ पे हमने नौ हज़ार से ज़्यादा घर बेचे वो भी एक दो साल के पीरियड के अंदर ही अंदर आज बहुत सारे लोग हैं क्लियर है ऑडियो आपका ओके okay. चलिए तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आ, जोपरपट्टी में रहते थे स्लम्स में रहते रहा करते थे और उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी आ, बच्चों के लिए सिक्योरिटी नहीं स्कूल्स नहीं हेल्थ केयर नहीं ओपन गटर्स हैं सुअर्स हैं आ, कुछ कहानियाँ बहुत डरावनी ऐसी भी सुनी कि जहाँ भाड़ा लेने लोग आते थे तो अगर भाड़ा नहीं तैयार है तो घर के अंदर तोड़ फोड़ कर लेते थे बच्चा उठा के ले चले जाते थे ऐसी भी कहानियाँ हमने सुनी तो ये जो पॉवर्टी ट्रैप है इसके अंदर एक बार इंसान फंस जाता है गांव से गरीब क्रॉप फेलियर के बाद काम नहीं है मुंबई आता है शहर में मेहनत करने की कोशिश करता है उसका एक सपना है कि मुझे एक रहने के लिए छत मिल जाए मुंबई में अब मैं अगर आपको कहूँ कि जितना वो भाड़ा दे रहा है उतने ही में अगर वो अपना खुद का घर ले पाए तो कितना बड़ा सपना पूरा होगा उसका तो हमने जो कोशिश की कि महज सात हजार नौ सौ रुपये आज हम देखते हैं कि सात हजार नौ सौ रुपये में क्या मिलता है एक मोबाइल फ़ोन मिलता है सात हज़ार नौ सौ रुपये में एक अच्छी सी थोड़ी सी छोटी मोटी ज्वेलरी बन जाती है एक सूट खरीदने जाएं तो शायद सात हजार नौ सौ से ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें हमने एक टारगेट रखा कि सात हजार नौ सौ रुपये का हर महीने का इंस्टॉलमेंट जैसे कोई घर खरीदने जाता है उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं आप हमारे पास आइए हम आपका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे जन धन योजना प्रधानमंत्री ने क्रिएट की है उसके तहत हमने कई हज़ार बैंक अकाउंट्स खुलवाएं लोगों के लिए बैंक्स भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि भाई मेरी पिछली हिस्ट्री मैंने टैक्स नहीं भरा है मुझे घर के लिए लोन कैसे मिलेगा लोन चाहिए हम लोन दिलाएंगे लोन के लिए जब गारंटी की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे तो इनिशियल जो गारंटीज़ जब लोन डिसबर्समेंट होता है जब कोलेट्रल नहीं है आपके पास तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है वो गारंटी हम देते हैं तो हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा जब हमने ये सिस्टम शुरू किया तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है और फ्री में मिलती है वो एडवाइस बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें एडवाइस किया कि ये मत करो क्या कर रहे हो बहुत नुकसान हो जाएगा जितना कमाया है सब लॉस हो जाएगा तो हमने कहा ठीक है हमारा लॉस होगा हम देखेंगे हमारा अनुभव इतना बढ़िया रहा गरीब इतना ईमानदार है जब हम एनपीए की बात आजकल पेपरों में तो चली रही है पिछले छह महीनों में जब एन की बात कहते हैं नॉन पेमेंट की जब बात कहते हैं डिलिंक्वेंसी की जब बात कहते हैं तो हमारी डिलिंक्वेंसी रेट सिर्फ 1.17 परसेंट है यानी कि हर सौ घर में से एक घर ऐसा सिचुएशन में आता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाता और वो भी कभी कभी जेन्यून कारण की वजह से कि जो ब्रेड अर्नर है जो अर्निंग मेंबर है वो बेचारा गुजर गया उसके लिए भी अभी हमने लाइफ इंश्योरेंस टाइप किया है और ऐसा लाइफ इंश्योरेंस टाइप किया है कि अगर छः महीने बाद भगवान न करे बट कमाने वाला गुजर जाए तो उसकी फैमिली के लिए जो घर है वो घर की जो बाकी की कीमत है जो रकम है वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी पे करेगी उसका प्रीमियम हमने उसके अंदर इंक्लूड किया स्ट्रक्चर ऐसे बनाए तो हमने बहुत सारी ऐसी नॉवल स्कीम्स की जब हम घर बनाने लगे तो लोगों ने कहा कि यार अगर रिक्शे वाले को घर बेच रहे हो तो स्विमिंग पूल बनाने की क्या ज़रूरत है मैंने कहा क्यों आपके घर के बच्चों को स्विमिंग पूल मिल सकता है रिक्शे वाले का हाथ गाड़ी वाले का उसके बच्चे को स्विमिंग पूल क्यों नहीं मिल सकता है क्यों नहीं तो और इसका हमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला जिस तरह से हमने एमिटी सोची कि एक लो इनकम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हाई क्वालिटी बिल्डिंग्स लिफ्ट के साथ में एल्यूमिनियम फ्रेंच विंडोज के साथ में खूब रोशनी हो घरों के अंदर फ्लोरिंग टाइलिंग लोग घर बेच देते हैं नल नहीं बेचते इतनी चिंदी चोरी भी करते हैं लोग कि यार हम क्यों नल का पैसा दें अच्छे अच्छे एक एक फिटिंग के साथ में रेडी आपका जो साधारण जो आपको अच्छा ठीक ठाक किचन बना के गार्डन्स स्विमिंग पूल क्लब हाउस बच्चे चल के स्कूल जा रहे हैं आपके कंपाउंड के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें हमने लाई हैं जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल गई इसलिए हम हमेशा कर्म के लिए कहते हैं कि हम कर्म सिर्फ घर बनाते नहीं हैं घर बसाते भी हैं तो ये एक थाट प्रोसेस है एक विचारधारा है हाँ इसके अंदर मेरी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम होती है मैं जब बड़े बड़े फंड्स से बात करता हूँ बहुत एक्साइट होते हैं अरे आप इतने वॉल्यूम में घर बना रहे हैं हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे मैंने कहा ठीक है लेकिन आप नहीं करोगे कहते क्यों हम कह रहे हैं हम करना चाहते हैं मैं कहता तो, हूँ नहीं मैं कह रहा हूँ आप नहीं करोगे जब हम उनको कच्चा चिट्ठा दिखा देते हैं कि भई सिर्फ इतना प्रॉफिट है तो बोलते तीन साल में सिर्फ इतना प्रॉफिट इतने कम प्रॉफिट में आप धंधा क्यों कर रहे हो बस हम सिर्फ धंधा नहीं कर रहे हैं हमारे लिए एक सोशल री इंजीनियरिंग है एक सोशल इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका ये पहला घर बन रहा है जब पहला घर एक औरत का बनता है तो उसको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरे बच्चे सेफ हैं हमारे लोअर तबके में हिंदुस्तान में अभी भी औरत पर बहुत शोषण होता है हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं लेकिन अभी भी मर्द दारू पी के पिटाई करता है अब जब उसका घर है तो हम उसे शक्ति देते हैं और कहते हैं अगर कोई आपको कुछ करे उसे घर से बाहर निकाल करो क्योंकि ये घर आपका है आप किसी पे रेंटल के लिए निर्भर नहीं हो आप किसी और पे निर्भर नहीं हो कि वो मुझे घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी ये घर आपका है ये एक अलग किस्म की सशक्तिकरण है इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट सो वी आर ट्राइंग टू सोशली री इंजीनियर दिस इज़ अ ड्रीम दैट वी शेयर विथ फिल्म फेयर नाउ एन आइडिया वॉज़ कि फिल्म फेयर मराठी पूरे महाराष्ट्र में लोग देखेंगे और आ, उनको हम जागृत करेंगे कि ये एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है अब हम मुंबई थाने केलवे रोड नागपुर नासिक पुणे ये सारे सेंटर्स में एक्सपैंड कर रहे हैं जनवरी 27 को हम एक बहुत बड़ा लॉन्च भी करेंगे जहाँ पे हम लोगों को और बहुत सारी सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सिंपल है सात हज़ार आप भर रहे हैं सौ महीने तक सिंपल इट्स एज सिंपल इज दैट कोई हिडन कॉस्ट नहीं है कोई हिडन एजेंडाज नहीं है सात लाख नब्बे का घर बता के पंद्रह लाख में सोलह लाख रुपए में हम नहीं बेच रहे हैं इट्स एज सिंपल इज दैट उसमें जो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं सब के कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं हमारी कंपनी बेयर करती है क्योंकि हम एक्चुअली अफोर्डेबल इन द रियल सेंस क्रिएट करना चाहते हैं सो दिस इज समथिंग आई वॉन्ट डू शेयर विथ यू अबाउट माई कंपनी इफ दीज लवली पैनलिस्ट बे विथ मी फॉर टू थ्री मिनट्स मोर मैं आपको एक छोटा सा टेस्टीमोनियल दिखाना चाहूँगा आई लाइक टू शेयर इट इफ़ वी कैन प्ले दैट टेस्टमोनियल वीडियो ये हमारे एक्चुअल कस्टमर्स हैंक्टर्स नहीं है. actual customers हैं एक्चुअल कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारे घर खरीदे और उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया मराठी में है नीचे अंग्रेजी में सब टाइटल्स भी हैं तो इफ़ वी कैन प्ले दैट थैंक यू सब लोग मुझे पूछते हैं कि ये सब बिल्डिंग्स जो हैं ये आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाई है कि रियल तो हम बोलते हैं प्लीज आ जाइए शाहपुर में और लोकेशन पे देखिए कैसे लोग जी रहे हैं कितनी क्वालिटी की बिल्डिंग है और आ, कुछ मीडिया वाले दोस्त भी पूछ रहे थे कि हमारे लिए तो आपके लिए मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट थैंक यू मैं